जादुई सैंडल का जादू। बहुत समय पहले की बात है, किशोरगंज नाम के गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में श्याम अपनी पत्नी रेखा और अपनी बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रह रहा था। श्याम अपनी पत्नी रेखा के साथ अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था। श्याम एक दिन अपने खेत में खेती कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी रेखा आकर कहती है, पिताजी पिताजी देखिए मुझे क्या मिला। दिखा जरा, तुझे क्या मिला है। रेखा ने अपनी बंद मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में एक पुराना सिक्का था। यह तो पुराना सिक्का है, यह तुझे कहाँ से मिला। यही अपने खेत में, शायद दादाजी का गिर गया होगा और अब जाकर मुझे मिला है। तभी रेखा भी वहाँ आ गई। दिखा जरा। पूनम ने वो सिक्का अपनी माँ को दिखाया। ये तो पुराना सिक्का है, सुना है पुराने सिक्के बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं। हाँ, पर इसका क्या दाम होगा। वो तो दुकान पर पता चलेगा। तो चलिए पिताजी दुकान चलते हैं। ठीक है। तीनों पुराने सामान वाली दुकान पर पहुँचे। श्याम ने वो सिक्का दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने उस सिक्के को अच्छे से देखा। हाँ, तो मैं सिक्के का 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। 10,000 ठीक है, दे दो। 10,000 सुनते ही पूनम और रेखा भी खुश हो गए थे। पैसे लेकर तीनों दुकान से बाहर निकले और घर जाने लगे। तभी बाजार में पूनम कहती है, अब पापा मुझे कुछ कपड़े और खिलौने खरीद दो ना। ठीक है मेरी लाडली। और मेरे लिए भी साड़ी खरीद दो। बस एक ही, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे सेठ जी के पास वापस कर दूँ। जल्दी से जल्दी उनका कर्ज वापस करना है। ठीक है। पूनम ने अपनी पसंद के कपड़े खरीदे और रेखा ने अपने पसंद की एक साड़ी खरीदी और फिर कुछ खिलौने और मिठाई खरीद कर तीनों घर वापस आ गए। मैं ये बचे 9,000 सेठ जी को देकर आता हूँ। हाँ हाँ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। सेठ अपने सोफे पर बैठा था। श्याम उसके पास पहुँचा। यह लीजिए सेठ जी 9,000 रुपए, बाकी मैं जल्द ही लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, अब आती हुई लक्ष्मी को कौन मना कर सकता है। लाओ लाओ मेरे पैसे। श्याम सेठ को पैसे दे देता है और वहाँ से घर चला जाता है। जब वो घर पहुँचा तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द से जल्द मेरा यह कर्ज चुकता करवा दो ताकि यह मेरा पुश्तैनी घर फिर से मेरा हो जाए। आज तीनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें बिना मेहनत के 10,000 रुपए मिले थे। इस बात को लगभग एक महीना बीता था कि सेठ अपने आदमियों के साथ श्याम के घर आता है। श्याम, ओ श्याम। जी सेठ बोलिए। देख, तेरे लिए हुए कर्ज का ब्याज 10,000 हो चुका है और कर्ज 1,00,000 और तेरा बोला हुआ समय भी खत्म हो चुका है। पर 1,00,000 रुपए चुका तो दिया है सेठ जी। अरे वह तो मेरा ब्याज था, कुल ब्याज तेरा 2,00,000 था जिसमें से 1,00,000 बचा है। नहीं तो यह तो नाइंसाफी है। अब जो भी है, कर्ज लेते वक्त तूने खुद ही इस एग्रीमेंट पेपर पर साइन किए थे जिसमें लिखा था कि मैं तुझे 1,00,000 रुपए कर्ज दे रहा हूँ जिसमें 2,00,000 ब्याज होगा, कुल मिलाकर 3,00,000। अगर तूने ये पैसे मुझे नहीं लौटाए तो यह कर्ज तुझे खाली करना होगा। सेठ जी हम पर दया कीजिए, ये घर ही हमारा सब कुछ है, हम इतना सारा ब्याज कहाँ से देंगे। यह तो मेरा धंधा है बहन, और धंधे में मैं भाई बंधु नहीं करता। आप लोगों का समय खत्म होने में 10 दिन बाकी है, 10 दिनों में मुझे 2,00,000 रुपए दे दो और अपना घर ले लो। ये कैसे होगा सेठ जी, ये तो संभव ही नहीं। आप भाई ऐसा मैं नहीं जानता। सेठ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। श्याम के परिवार पर आफत आ चुकी थी, अब हमारा क्या होगा। 10 दिन में मैं 2,00,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा। क्या हमें ये घर खाली करना होगा पिताजी। तीनों फूट फूट कर रो रहे थे, जल्दी वो लोग बेघर होने वाले थे। सेठ ने वो अग्रीमेंट के कागज लॉकर में रख दिए थे। पूनम अपने घर को ढंग से देखने लगी, उसे पहले की बातें याद आने लगी और यूं ही चलते चलते वो स्टोर रूम में पहुंची। स्टोर रूम में धूल मिट्टी जमी हुई थी, उन धूल मिट्टी के बीच एक बक्सा चमक रहा था। पूनम का ध्यान उस बक्से पर गया। पता नहीं इस बक्से में क्या होगा। पूनम ने वो बक्सा खोला तो उसके अंदर 2 चमकती हुई सैंडल थी। सैंडल देखते ही पूनम बहुत खुश हो गई। वाह कितनी सुंदर सैंडल है, ये तो मुझ पर बहुत सुंदर लगेंगे। पूनम ने वो सैंडल अपने पैरों में पहन ली। वो खुशी खुशी कमरे से बाहर आई। माँ माँ देखो ये सैंडल कितनी अच्छी है। रेखा को सैंडल तो दिख रही थी परंतु उसकी बेटी नहीं दिखाई दे रही थी। पूनम कहाँ है तू।
माँ मैं यही तो हूँ आपके सामने। ए जी आइए यहाँ, जरा इधर तो आइए। क्या हुआ? मुझे पूनम की आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे माँ मैं यही तो हूँ। सुनिए जी वो सैंडल देखिए। पूनम जरा सैंडल उतारो। ठीक है पिताजी। पूनम ने सैंडल उतारी और फिर वो दिखाई देने लगी। ये जादुई सैंडल है, इसे पहनते ही पूनम अदृश्य हो गई थी जी। पूनम ये सैंडल तुम्हें कहाँ मिली? स्टोर रूम में एक बक्सा था उसमें मिली पिताजी। जरूर हमारे पूर्वज हमारी मदद करना चाहते हैं। ये जादुई सैंडल हमारी कैसे मदद कर सकता है? मेरे पास एक योजना है। श्याम ने पूनम और रेखा को अपनी योजना बताई और फिर सभी खुश हो गए, मानो उनकी सारी परेशानियों का हल मिल गया हो। उस रात श्याम रेखा और पूनम तीनों सेठ के घर के बाहर पहुँचे। बेटा पूनम तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? हाँ पिताजी मैं कर लूँगी। और फिर पूनम ने वो जादुई सैंडल पहनी और सेठ के घर में चली गई। सेठ अपने बिस्तर पर अकेला सोया था। पूनम उसके कमरे में गई और जोर जोर से हंसते हुए पैर पटक कर चलने लगी। उसके चलने के कारण उसके सैंडल से आवाजें आ रही थी। सैंडल का शोर सुनकर सेठ की नींद खुल गई। वो यहाँ वहाँ देखने लगा कि तभी उसे चलती हुई सैंडल दिखाई दी और वो डर गया। अब कौन हो भूत भूत? मैं श्याम की माँ हूँ, तुम मेरे बेटे का घर छीने का, तेरी इतनी हिम्मत? सेठ को सिर्फ पूनम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसे लगा कि वो कोई भूत है। जादुई सैंडल की मदद से पूनम अदृश्य थी। मुझे वह घर नहीं चाहिए, मैं कल ही जाकर वह सारे कागज श्याम को वापस कर दूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। सेठ डर से रोने लगा। इस बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तूने मेरे घर पर नजर डाली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं सपनों में भी श्याम के जायदाद पर नजर नहीं डालूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। पूनम दरवाजे की तरफ चलने लगती है। सेठ को तो सिर्फ सैंडल ही दिखाई दे रही थी। पूनम के पिताजी और माताजी पूनम का बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों अपने घर चले गए। पापा वो सेठ तो डर के मारे कांप रहा था, क्या वो घर के कागज लौटाएगा? हाँ तुम देखना वह सेठ कल सुबह ही आकर हमारे घर के कागज हमें दे देगा। श्याम का प्लान कामयाब रहा। अगले दिन सेठ श्याम के घर आया। श्याम भाई, ओ श्याम भाई। हाँ सेठ जी, इतने सुबह सुबह आप यहाँ पे? सेठ ने श्याम को वो कागज वापस कर दिए। मुझे माफ कर दो, मैं धोखे से तुम्हारा यह घर हथियाना चाहता था। यह लो तुम्हारे पेपर, वरना तुम्हारी माता जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सेठ ने श्याम को वो कागज दे दिए और वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। और उस दिन के बाद श्याम अपनी पत्नी रेखा और अपनी बेटी पूनम के साथ उस घर में हंसी खुशी से रहने लग गया। वंदना की सास और ननद मोना उसे दहेज ना लाने की वजह से उसे तरह तरह की बातें सुनाया करती थी। यहाँ तक कि घर के सारे काम भी उसे अकेले करने पड़ते थे। मोना अपनी पढ़ाई के बहाने सारा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती थी और वंदना बेचारी चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन रविवार का दिन था। वंदना की सास वंदना के पति दीपक को बोलती है। दीपक तू ये कैसी बहू लेकर आया है? एक तो इसके माता पिता ने कुछ दहेज में दिया नहीं। अरे जिस दिन से घर में बेटी पैदा होती है माँ बाप उस दिन से दहेज की चिंता करने लगते हैं। इन लोगों ने तो ऐसी ही बेटी को विदा कर दिया। अरे माँ ये तुम कैसे बातें कर रही हो? सीधी सादी सुंदर पढ़ी लिखी तो लड़की है और तुम कहाँ दहेज के मामलों में फंस रही हो? फिर हमें दहेज की क्या जरूरत, हमारे पास तो सब कुछ है ना। देख बेटा अब मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती, उसको तू उसके मायके ही छोड़कर आ जा। माँ आप ये क्या कह रही हो, अभी तो एक साल भी नहीं हुआ और यह कैसे हो सकता है कि मैं उसे उसके घर छोड़ के आ जाऊँ? नहीं माँ मैं ऐसा नहीं करूँगा। तू उसे छोड़ने जाएगा या मैं उसके घर फोन करके उसके माँ बाप को ये बोलूँ कि अपनी बेटी को यहाँ से उठा कर ले जाए? दीपक अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रूठे हुए मन से बोलता है। माँ मैं दो तीन दिन बाद खुद ही चला जाऊंगा, अभी नहीं। और हाँ उसे घर वालों को भी तो कितनी बेइज्जती होगी। वाह बेटा हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं, पूरे मोहल्ले में चारों तरफ दहेज ना मिलने की वजह से हमारी इज्जत जो मिट्टी में मिली उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और अभी बहू के घर वालों की फिक्र हो रही है तुझे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दीपक पैर पटकता हुआ वंदना के पास गया। वंदना खिड़की के पास खड़ी होकर सारी बातें सुन ही रही थी और अपने घर वालों के बारे में ऐसा सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे।
सास के मुंह से निकले कड़वे शब्द उसे बहुत दुख पहुंचा रहे थे, क्योंकि उसकी सास वंदना के घर परिवार के बारे में खूब बेइज्जती कर रही थी। तभी वहां पर दीपक पहुंचता है और वो बोलता है, वंदना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आप तो मेरे पास आकर ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। आप अभी मुझे मेरी माँ के पास छोड़ाओ, क्योंकि अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना। अच्छा बाबा, अब अपने आँखों के आंसू पोंछ लो, तुम्हारे इस परेशानी का सलूशन निकाल लेंगे। मैं सुबह सुबह ही अपने एक दोस्त के पास गया था, पर वह मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपने आँखों के आंसू पोंछ लोगी। चलो जल्दी से चुप होकर आंसू पोंछ लो। इतना बोलकर दीपक वंदना को अपने कमरे में लेकर जाता है और वहाँ उसे आराम से बेड पर बैठाता है और उसके आंसू पोंछ देता है और फिर उससे बोलता है, यह लो, यह एक जादुई गजरा है, इसे जब तुम अपने बालों में लगा लोगी तब तुम्हें किसी की भी तीखी बातें तुम्हें बुरी नहीं लगेगी और तुम्हारे सारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। मगर इस गजरे को लगाने के बाद कभी भी किसी का नुकसान करने की मत सोचना या किसी के बारे में गलत करने का मत सोचना। दीपक की ये सारी बातें सुनकर वंदना झट से उन गजरों को लेते हुए देखती है। वो गजरा ताजे ताजे फूल और बेला और गुलाब के बना हुआ था। उसे वो गजरा बहुत भाता है। थैंक यू, मैं तो सोच रही थी कि मैं माँ के पास तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वंदना। इतना बोलकर दीपक वंदना को गले से लगा लेता है। अब वंदना ने उन गजरों में से एक गजरा निकालकर अपने बालों में लगा लिया और फिर वो अपनी सास के पास गई। अरे बहू, जाओ आज किचन में कुछ अच्छा टेस्टी सा चाइनीज बना लो, क्योंकि तुम्हारी ननद मोना के कुछ फ्रेंड आने वाले हैं। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। वंदना के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी सास अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोलती है, कैसी लड़की है ये, इसे तो मेरे कहने सुनने का कोई असर ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, इसे मैंने अपने इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी रमा नहीं। वंदना चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। चाइनीज खाना तो वंदना और दीपक को वैसे भी बहुत पसंद था। एक घंटे में ही वंदना ने नूडल, मंचूरियन, फ्राइड राइस सब कुछ तैयार कर दिया। थोड़ी ही देर में मोना की सारी सहेलियां आ जाती है। टेबल पर रखा इतना स्वादिष्ट खाना देखकर सबके मुंह से पानी निकलने लगता है। वाओ, नूडल्स एंड मंचूरियन, आंटी आपने बाहर से मंगवाया है क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। आंटी आप प्लीज हमें भी सिखा दीजिए ना, क्या हम कल आपसे सीखने आ जाए? हाँ हाँ आ जाना। ये सारी बातें दूर खड़े दीपक के पिताजी श्रीकांत सुन रहे थे। तभी वंदना बोल पड़ी, मम्मी जी आप दोनों भी खा लीजिए। हाँ हाँ हम दोनों की भी प्लेट लगा दे। थोड़ी देर में मोना के सारे फ्रेंड्स खा पी कर जा चुके थे। तभी श्रीकांत जी कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें कब से चाइनीज खाना बनाना सीख लिया भाई, हमें तो आज तक नहीं खिलाया। उन लड़कियों को जो तुमने बुलाया है उन्हें कल तुम क्या सिखाओगे? अब चुप रहिए, मैं उन लड़कियों से कुछ बहाना बना दूंगी। वंदना दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसकी सास ने मोना की सारी सहेलियों से ये झूठ बोला था कि ये सारा खाना उन्होंने बनाया है। इसलिए इतनी सफाई से झूठ बोलते हुए वंदना को अपनी सास पर खूब हंसी आती है। थोड़ी देर बाद वंदना अपना और दीपक का खाना लेकर कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही दीपक कहता है, कहिए मैडम कैसा रहा आज का सब कुछ? वंदना ने हंसते हुए सब कुछ दीपक को बता दिया। वे दोनों खाना खाने बैठ गए। वाकई वंदना बहुत टेस्टी है सब कुछ, तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है मैं तो जानता ही नहीं था। अरे ये गजरा जादुई है, आपने ही कहा था ना, मुझे तो ये खुद ही नहीं मालूम कि मैंने ये सब इतना टेस्टी कैसे बनाया। मैंने तो आज तक खाना क्या चाय भी ढंग से नहीं बनाई। मोना अपने भैया भाभी के कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रहे थी। वो भाभी को बुलाने आई थी। सारी बातें सुनने के बाद वो अपनी भाभी को बुलाती है। भाभी मम्मी आपको बुला रही है। बस अभी आई। फिर वंदना मोना के कहने पर अपनी सास के पास जाने लगी। यहाँ दीपक अपने आप से बोलता है, देखो अब क्या फरमान जारी होता है। यहाँ सास वंदना से कहती है, बहू आज काम वाली नहीं आएगी, फटाफट बर्तन भी धो ही डालो। ठीक है मम्मी जी। इतने सारे बर्तन देखकर तो वंदना दंग रह गई, पर उसने जैसे ही बर्तनों को हाथ लगाया वो अपने आप धुलकर चमकने लगे।
वो किचन से निकलकर अपने कमरे में चले गए। अरे कहाँ थी अब तक तुम वंदना? कहीं नहीं, बस बर्तन धो रही थी। इतनी जल्दी बर्तन भी धुल गए? तुम भूल गई कि मैंने जादुई गजरा पहना है? ओ हाँ, मैं तो सचमुच ही भूल गया था। चलो बहुत हो गया, अब आओ आकर आराम कर लो, शाम को कहीं मूवी देखने चलेंगे। अरे वाह, हाँ वैसे भी जब से शादी हुई है कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए। दोनों शाम को तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए तो देखा बाहर बुआ जी आई हुई थी। अरे बहू, तुम्हारा आराम हो गया हो तो जरा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लाओ। वंदना ने अपनी बुआ के पैरों को चरण स्पर्श किया और दीपक की तरफ देखा। माँ, मोना कहाँ है? उसको बोलो बुआ जी के लिए चाय बना ले, क्योंकि हम मूवी देखने जा रहे हैं, वैसे भी हमें देर हो रही है। इतना कहकर दीपक वंदना को लेकर मूवी देखने चला जाता है। अरे मोना बेटा, जाकर जरा चाय बना कर ले आओ, बुआ जी आई है। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, भाभी से बोलो ना बना देगी। तेरी भाभी सिनेमा देखने गई है। क्या वो अपने कमरे में नहीं है? अच्छा मैं अभी आई। इतना कहकर मोना अपने मन में सोचने लगती है, अभी मैं गजरा लगाकर भाभी की सारी अकड़ निकाल दूंगी। माँ ठीक ही कहती है, भाभी को तो अपने मायके में ही रहना चाहिए, लेकिन भैया कहाँ मानने वाले हैं। जब से ये आई है भैया हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मोना झट से उठकर अपने भैया भाभी के कमरे में गई और भाभी के कमरे में जाते ही ड्रेसिंग टेबल पर ताजे ताजे बेला और गुलाब के फूल से बने हुए गजरे की लड़ियों में से एक गजरा निकालकर अपने बालों में लगा लिया। उसने गजरा लगाकर जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा वो जोर से चिल्लाकर भागती हुई बाहर गई। मम्मी ये देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया। अरे ये तुम्हारे चेहरे पर काले काले धब्बे कैसे पड़ गए? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, लगता है तुम्हें किसी की नजर लग गई है। नहीं मम्मी, भाभी के कमरे में गजरे की लड़ी रखी थी, मैंने भाभी को ये कहते हुए सुना था कि ये जादुई गजरा है। मैंने ये जैसे ही अपने बालों में लगाया मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। अरे मोना, ऐसे किसी की भी चीज को बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भाभी आपने क्या ये सब इसको नहीं सिखाया? अच्छा अब जाओ और जाकर मुंह धोकर आओ। चल मोना, चल डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। अरे भाभी रुक जाओ, आपको तो हर चीज की बड़ी हड़बड़ी रहती है, बहू को आ जाने दो, क्या पता उसके पास इसका कोई इलाज हो। लेकिन वंदना की सास रमा को जरा सा भी सबर नहीं था और वो मोना को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और बोली, ये तो बहुत गहरे निशान है, इन्हें जाने में तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। मम्मी मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी, मैं क्या करूं? गजरा लगाने से पहले मुझसे पूछा था क्या? ये दोनों जब डॉक्टर के पास से घर आई तो वंदना और दीपक घर आ चुके थे, क्योंकि उन्हें मूवी का टिकट ही नहीं मिला था। अरे मोना, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? भैया भाभी से कहो कि मुझे माफ कर दे, मैंने उनसे बिना पूछे उनका गजरा लगा लिया था। अरे मोना, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें माफ क्यों नहीं करूंगी भला। ये कहकर वंदना ने प्यार से मोना के सर पर हाथ रखा। वंदना के छूते ही मोना का सारा चेहरा एकदम ठीक हो गया। अरे ये लो, बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हमारी बहू तो लाखों में एक है। अरे वाह भाभी, ये तो वाकई में ही जादू हो गया। ओ भाभी थैंक यू सो मच भाभी। भाभी मुझे माफ कर दो, हमसे आपको समझने में कितनी बड़ी भूल हो गई। अब से मैं आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी, आपके सारे काम में मैं आपकी मदद करूंगी मेरी प्यारी भाभी। उस जादुई गजरे ने वंदना को उस घर में इज्जत और सम्मान दिलवा दिया था और अब सब हंसी खुशी रहने लगे थे। दीपक और वंदना भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दीपक को भी वंदना की सारी परेशानियों को दूर करके बहुत खुशी मिलती है। अब वो दोनों पहले से भी ज्यादा खुशी खुशी रहा करते थे। जादुई सुनहरी नदी। मणिपुरम नाम के एक गांव में एक सरला नाम की औरत रहती थी। वे नदी से मछलियां पकड़कर शहर में बेचने का काम किया करते थे। सरला बहुत गरीब थी। सरला एक बहुत ही अच्छी औरत थी। गांव का हर एक व्यक्ति सरला को बहुत पसंद किया करता था। वो लोगों की मुसीबतों में उनका साथ दिया करती थी। उसकी एक पोती थी जिसका नाम मनीषा था। एक दुर्घटना के कारण उसके बहू और बेटे की मौत हो गई। उसके बाद सरला ने ही नदी से मछलियां पकड़कर शहर में बेचकर पैसे कमाकर मनीषा को पढ़ाया। एक दिन मनीषा स्कूल से रोते हुए घर आती है।
और अपनी दादी से कहती है, दादी आज मुझे मेरी टीचर ने पूरा दिन स्कूल में खड़ा रखा क्योंकि मेरी 3 महीने की फीस स्कूल में नहीं गई है। दादी आप मेरी स्कूल की फीस कब भरोगे? बेटी जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे स्कूल की फीस भर दूंगी। कल सुबह मैं जल्दी जाकर नदी से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लूंगी और उन्हें बेचकर तेरी फीस भर दूंगी। अच्छा ठीक है दादी, कल मैं स्कूल की छुट्टी कर लेती हूँ जिसके बाद हम दोनों नदी से मछलियाँ पकड़ेंगे और फिर उन्हें बेचकर पैसे आ जाएंगे और मेरी मदद से आप ज्यादा मछलियाँ भी पकड़ लोगी। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं तुझसे कोई भी काम नहीं करवाना चाहती। तू सिर्फ पढ़ाई कर और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। तू देख लेना मैं तेरे को एक दिन अफसर बना कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। अपनी दादी की बात सुनकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह दादी जल्दी उठकर नदी किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ने लगती है, लेकिन तभी उनकी नजर नदी के बीच में पड़ती है जहाँ नदी में ढेर सारा कूड़ा पड़ा होता है। कितने मतलबी लोग हैं, नदी से मछलियाँ तो पकड़ लेते हैं लेकिन नदी में गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। इतना कहकर सरला अपने मछली पकड़ने वाले जाल से नदी का सारा कूड़ा निकालकर एक साइड रख देती है। उसके बाद वो मछली पकड़ने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है लेकिन सरला के हाथ एक भी मछली नहीं लगती। तभी सरला के पड़ोसन मालती अपनी नाव में सवार होकर नदी के बीचों बीच मछलियाँ पकड़ रही थी। अरे क्या हुआ दादी जी, आज तो आपके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अपनी मछलियाँ तुम्हें दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं अपने लिए मछलियाँ खुद पकड़ सकती हूँ, मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सरला नदी में अपना जाल फैलाती है। वहीं दूसरी तरफ नदी के बीचों बीच अपने नाव में सवार मालती मछलियाँ पकड़ रही थी। उसकी नाव अचानक ही नदी में एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है जिसके बाद उसके नाव में एक छेद हो जाता है और फिर वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ कोई मेरी मदद करो, नहीं तो आज मैं नदी में डूबकर मर जाऊंगी, कोई मेरी मदद करो मुझे बचाओ। अरे ये क्या, मालती तो नदी में डूब रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर सरला मालती की मदद करने की ठानती है। सरला को तैरना आता था, वो बिना सोचे समझे नदी में कूद जाती है और वो मालती को बचाकर नदी से बाहर ले आती है। अरे मालती उठो, मालती उठो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहकर सरला मालती के सीने पर हाथ रखकर उसके मुंह से पानी निकालती है जिसके बाद मालती को होश आ जाता है। सरला मालती को उसके घर तक छोड़कर आती है जिसके बाद मालती अपनी सारी मछलियाँ सरला को दे देती है। दादी अगर आज आप ना होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती, इसलिए मैं आपको आज की अपनी सारी मछलियाँ देती हूँ। सरला मालती के कहने पर उसकी आधी मछली शहर ले जाती है और आधी उसके लिए छोड़ जाती है जिसके बाद सरला उन मछलियों को बाजारों में बेच देती है। मछलियों को बेचकर कमाए गए पैसों से वो अपने लिए और अपनी पोती के लिए खाना खरीद कर ले जाती है और बचे हुए पैसों से मछलियों के लिए दाने खरीद लेती है और अगले ही दिन नदी किनारे जाकर मछलियों को दाना डालने लगती है। पता नहीं बेचारी मछलियों को कुछ खाने के लिए मिलता होगा भी या नहीं, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनका ध्यान भी रखना होगा। मछलियों को दाना देकर सरला वहाँ से जाने लगती है। तभी नदी में से एक सुनहरी सोने की जलपरी बाहर निकलती है जिसके बाद वो साधारण सी नदी जादुई सोने की नदी बन जाती है। उसके अंदर की मछलियाँ भी सोने की जीवित मछलियाँ बन जाती है और ये सब देखकर सरला अचंभित में पड़ जाती है। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, रुको दादी आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया, आपके जितना अच्छा इस पूरे गांव में कोई नहीं, ऊपर से आपने मेरी इन मछलियों के बारे में भी सोचा जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुई। आज से जब भी आप रात के समय इस नदी के पास आओगी ये नदी आपको देखकर सुनहरे सोने की बन जाएगी और इसके अंदर की सभी चीजें सोने की बन जाएगी, चारों तरफ पत्थर भी सोने के होंगे
आपको इससे जो चाहिए वो ले जा सकती हो। सरला जलपरी की सारी बातें सुनने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद सुनहरी जलपरी नदी में वापस चली जाती है और सरला सोने के पत्थर, सोने की मछलियाँ और एक बाल्टी में सोने का पानी लेकर घर आती है, जिसके बाद वो नदी का सुनहरा पानी छानकर उसमें से सोना निकाल लेती है और सोने की मछली और पत्थर ले जाकर सुनार के पास बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। दादी सुनार की दुकान से घर आकर मनीषा को बोलती है, देखो बेटा, अब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, अब मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी और अब तो तुम्हें पूरे दिन क्लास के बाहर भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा, अब तो मैं तुम्हें अफसर बनाऊंगी ही। अगले दिन सरला मनीषा के साथ उसके स्कूल जाती है। स्कूल जाकर उसकी टीचर को उसकी फीस भर देती है। उसके बाद वो अपने लिए एक अच्छी सी कोठी खरीदती है। अरे दादी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है, क्या अब हम इस घर के अंदर रहेंगे? हाँ बेटा, आज से हम इसी घर में रहेंगे। बेटा, ये घर हमारा है। जादुई सुनहरी नदी से सरला अपनी सारी परेशानियाँ दूर कर लेती है। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती वो रात को नदी के पास पहुँच जाती, जहाँ उसके जाते ही नदी सुनहरी नदी में बदल जाती और चारों तरफ सोना ही सोना होता। उसी में से कुछ पत्थर और मछलियाँ लाकर बेचकर अपने पैसों की कमी पूरी करती। धीरे धीरे वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। ये बात गांव के कुछ लोगों को खटकने लगती है। उसके बाद कुछ लोग सरला की अमीरी जानने के लिए उसके घर पर नजर रखने लगते हैं। तभी गांव के दो आदमी आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भाई, सरला के पास कुछ तो ऐसा होगा जिससे वह दिन पर दिन अमीर होती जा रही है। अरे देख देख, वह जा रही है बुढ़िया, आखिर इतनी रात में बुढ़िया जा कहाँ रही है? फिर दोनों आदमी सरला का पीछा करने लगते हैं। अब वो दोनों सुनहरी नदी का राज जान जाते हैं। अरे भाई, अब तो हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा, चलो इस बुढ़ी को पकड़ लेते हैं। तभी पहला आदमी सरला के गर्दन पर चाकू रख देता है और दूसरा आदमी बहुत सारी सोने की मछलियाँ, सोने के पत्थर और खूब सारा पानी बाल्टी में भर लेता है। अरे, तुम लोग यहाँ कैसे आए और तुम लोगों को इस जगह का पता कहाँ से मिला? चुप कर बुढ़िया, अगर ज्यादा जवान चलाई तो यही तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। भाई, मुझे जितना सोना भरना था मैंने भर लिया, अब तेरी भारी, तू ले, मैं इस बुढ़ी को संभालता हूँ। जैसे ही वो दूसरा आदमी नदी के पास जाता है, वैसे ही नदी में से नदी की सुनहरी जलपरी बाहर निकलती है और उन दोनों की आंखों पर अपनी जादुई छड़ी से तेज रोशनी डालती है और उन दोनों को अंधा कर देती है। लालच में आकर तुम दोनों ने इस बेचारी बुढ़िया की भी कोई कदर नहीं की और तो और तुमने उसके गर्दन पर चाकू भी रख दिया, इसलिए तुम दोनों को मैंने ये सजा दी है। तुम दोनों को मैंने हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दिया ताकि तुम अपनी ये नज़र किसी और चीज पर डालकर लालच ना कर सको। ये सब सुनने के बाद दोनों आदमी रोने लगते हैं और रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। तभी सरला कहती है, अरे जलपरी, आपने ये क्या कर दिया? वो बेचारे अपना जीवन कैसे बिताएंगे बिना आंखों के? सरला, तुम बहुत दयालु हो, मुजरिम को उसकी सजा देना बहुत जरूरी होता है, वरना वे ऐसी गलतियां कई बार करेंगे। आज से मैं ये वरदान खत्म करती हूँ, अब तुम अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हो। आपने मेरे लिए इतना किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। अब आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी और जो मुझे आपकी मदद से मिला है उससे मैं गरीबों की भी मदद करूँगी। ये कहकर सरला अपने घर चली जाती है और उसके बाद से वो गरीबों की खूब मदद करती है और अपनी पोती मनीषा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। कुएं में कूद जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को एक अनोखी दुनिया में पाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, एकदम स्वर्ग की तरह। कुएं के अंदर इतनी खूबसूरत दुनिया है, माँ ने पहले तो नहीं बताया। अनोखी दुनिया।
किशनगंज नगरी में राधा अपने पिता और अपने सौतेली माँ निर्मला के साथ रहती थी। निर्मला की अपनी एक सगी बेटी थी कोमल। वो अपने सगी बेटी कोमल से बहुत प्यार करती और राधा से उतनी ही नफरत करती। एक दिन निर्मला बाहर बैठकर खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट रही थी। कोमल, ओ कोमल, थोड़ा पानी दे तो कोमल, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। निर्मला अपनी सगी बेटी कोमल को आवाज लगाने लगती है, पर कोमल गहरी नींद में सो रही होती है, तो राधा उठकर अपनी माँ को पानी देने जाती है। ये लो माँ, कोमल सो रही थी, इसलिए मैं आपके लिए पानी ले आई। अच्छी छी, तू अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आई है, मुझे तेरे इन गंदे हाथों से पानी नहीं पीना। अपनी माँ को तो खा गई, अब क्या पता इस पानी में कुछ मिलाकर मुझे भी मारना चाहती है। नहीं चाहिए मुझे तेरे हाथ का पानी। इतना बोलकर निर्मला उसका लाया हुआ पानी गिरा देती है। ये देखकर राधा बहुत ही दुखी हो जाती है। ए, तूने रसोई के सारे बर्तन तो धो लिए ना? हाँ माँ। ठीक है, अब ये सारी लकड़ियाँ काट कर रख देना। क्या मुसीबत है, कब इससे छुटकारा मिलेगा पता नहीं। इतना बोलते ही निर्मला वहाँ से चली जाती है और राधा चुपचाप मायूस होकर लकड़ियाँ काटने लगती है। निर्मला रसोई घर में जाकर देखती है तो पीने के लिए पानी खत्म होता है। हे भगवान, इस लड़की को दिखता नहीं है क्या कि रसोई घर में पानी खत्म है? अरे ओ कलमुही। हाँ माँ, मैं पूछती हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? अब कुएं से पानी भी भरकर मुझे लाना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ, मैं करती हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ कुएं से पानी। इतना बोलकर राधा बाल्टी लेकर कुएं से पानी भरने चली जाती है। वो जैसी ही कुएं से पानी भरने के लिए बाल्टी अंदर डालती है, उसकी रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। ये देखकर राधा बहुत घबरा जाती है और मायूस होकर घर पहुंचती है। क्या हुआ, तू पानी भरकर नहीं लाई? वो माँ, पानी के भार से रस्सी टूटकर कुएं में गिर गई। क्या कहा तूने, बाल्टी को कुएं में गिरा दिया? अब जा, कैसी भी करके कुएं से बाल्टी बाहर लेकर आ। बिना बाल्टी लिए घर मत आइयो, नहीं तो तेरे टांगे तोड़ दूंगी, समझी? मुझसे गलती हो गई माँ। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, मैंने कहा ना, जा जल्दी से बाल्टी लेकर आ। माँ की बात सुनकर निर्मला रोते हुए कुएं के पास पहुँचती है और बिना कुछ सोचे वो बाल्टी लेने के लिए कुएं में कूद जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को एक अनोखी दुनिया में पाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, एकदम स्वर्ग की तरह। कुएं के अंदर इतनी खूबसूरत दुनिया है, माँ ने पहले तो नहीं बताया। इतना बोलकर राधा आगे बढ़ने लगती है। बहुत देर से चलने के कारण राधा बहुत थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। राधा को बहुत भूख भी लग रही होती है। काश अभी कुछ खाने के लिए मेरे पास होता। तभी राधा को सामने एक हवेली दिखाई देती है। अरे ये हवेली कैसी, मुझे चलकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कोई हो। इतना बोलकर राधा उस हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली के द्वार पर पहुंचकर सामने उसे एक परी दिखाई देती है। आओ प्रिय, मैं इस महल की परी हूँ, बताओ तुम अपना यहाँ आने का कारण, क्योंकि कोई भी यहाँ बेवजह नहीं आता। हाँ परी जी, मैं कुएं से पानी भर रही थी और मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई, इसलिए मैं अपनी बाल्टी लेने ही यहाँ आई हूँ। आप कृपा करके मुझे मेरी बाल्टी लौटा दीजिए, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा होंगी और मुझे घर में रहने नहीं देंगी। राधा की बात सुनकर परी सब समझ जाती है। क्यों नहीं प्रिय, तुम्हें तुम्हारी बाल्टी अवश्य मिल जाएगी, आओ मेरे साथ। परी राधा को अपने साथ महल के अंदर ले जाती है
और पकवानों से भरे एक कमरे में ले आती है। तुम थक गई होगी, इसमें से तुम्हारा जो मन करे तुम वो खा लो। राधा पकवानों से भरे कमरे को देखती है और अपनी भूख मिटाने लायक वो थोड़ा सा भोजन खा लेती है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपनी भूख मिटाने लायक भोजन कर लिया है। अब आप कृपा करके मुझे मेरी बाल्टी लौटा दीजिए। फिर परी राधा को एक और कमरे में लेके गई, जिसमें मौजूद थे तरह तरह के सोने चांदी के बाल्टी। ये देखो, इनमें से तुम अपना बाल्टी ढूंढ लो, इसमें से जो तुम्हारी बाल्टी हो उसे ले जाओ। राधा अपने सामने सोने चांदी और तरह तरह के बाल्टी देखकर हक्की बक्की रह जाती है और उनमें से अपनी बाल्टी को ढूंढने लगती है। तभी उसे मामूली जंग लगी हुई लोहे की बाल्टी दिख जाती है। अपनी बाल्टी को देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। परी जी, मुझे मेरी बाल्टी मिल गई, ये रही मेरी बाल्टी। प्रिय, तुम बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी उसके मामूली बाल्टी को सोने की बाल्टी में बदल देती है और उसमें ढेरों हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं भर देती है। ये देख राधा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी परी से विदा लेकर अपने घर वापस लौट आती है। तो दोस्तों, राधा के घर लौटने के बाद राधा के साथ क्या हुआ, उसकी माँ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया कि नहीं, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही इस चैनल पर लेकर आएंगे। धन्यवाद।